हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन मलिक, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर। दोस्तों हमने देखा है कि आजकल फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, पर दोस्तों कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका काफ़ी लोगों को नहीं पता है। मोस्टली काफ़ी ऐसे फंक्शन होते हैं हमारे फ़ोन में जिनका काफ़ी लोग यूज़ भी नहीं करते और जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप उन्हें यूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में बताया जिनको आप अगर अपने फ़ोन में यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको दोस्तों ये फंक्शन हमारे देखने तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम कुछ एंड्रॉयड फ़ोन के फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। ट्रिक वन, आउटगोइंग कॉल ब्लॉक। दोस्तों काफ़ी बार हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन की आउटगोइंग कॉल कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाए, जब तक कि हम चाहें उतने टाइम के लिए हमारी आउटगोइंग कॉल जो है वो ब्लॉक हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमने देखा कई बार हमारा फ़ोन किसी और के हाथ में चला जाता है तो वो काफ़ी हमारे जो नंबर होते हैं उनको डायल करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन की जो आउटगोइंग कॉल है वो ब्लॉक हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने फ़ोन के डायल में जाके यहाँ पर डायल करना है *##3#1 और हैज, और इसको डायल कर देना है तो हमारी आउटगोइंग कॉल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। और दोस्तों फिर हम चाहते हैं कि इसको हमें डीएक्टिवेट करना है तो इसके लिए एक अलग से कोड है। इसके लिए आपको *##3#1# टाइप करना है और उसके बाद इसको तो डायल कर देना है तो आप देखेंगे कि आपकी जो कॉल है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी। दोस्तों ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन में ये फंक्शन है और ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, अकाउंट सेटिंग। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि हमारा फ़ोन खो जाता है और कई बार हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है या हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं हमसे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि सारे नंबर जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप बहुत ही अच्छा एक हमारे फ़ोन के अंदर फंक्शन है जिसका यूज़ करके अपने सभी नंबरों को सेव कर सकते हैं अपने अकाउंट में। गूगल अकाउंट पे आप सभी अपने नंबरों को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ से आप देखेंगे ये सभी फ़ोन में होता है ये फंक्शन, तो आप यहाँ पे जाके गूगल एक ऑप्शन होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड करा देंगे, जीमेल का गूगल जो भी अकाउंट है उसे ऐड करा देंगे। और उसके बाद आप फिर यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ आप अपने कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके सभी कॉन्टैक्ट हैं ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे कि अपने नंबरों को यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी आपका गूगल अकाउंट होगा उस पर यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपका फ़ोन जो भी फिर आप बाद में जिस भी नंबर में अपना अकाउंट जो है वो ऐड कराएंगे तो आपके सारे नंबर उसी फ़ोन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है फ़ोन के अंदर, सभी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3, ऐसा लेवल। इसका यूज रेडिशन में किया जाता है। अगर दोस्तों हमारे फ़ोन की ऐसा लेवल अगर ज़्यादा है तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों हमें अपने फ़ोन की जो ऐसा लेवल है उसे चेक करना चाहिए और वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल जो है इसका 1.6 है। तो दोस्तों अगर इससे ज़्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और दोस्तों अगर ये ज़्यादा है आपके फ़ोन का ऐसा लेवल तो आपको अपने पास के सर्विस सेंटर पे इसको दिखाना चाहिए और ठीक कराना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपने फ़ोन की ऐसा लेवल जो है उसे कैसे चेक करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने फ़ोन पे डायलर बॉक्स में जाना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है *##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 #
बिल्कुल ठीक है, 1.6 है एसआर लेवल। तो दोस्तों इस तरह से आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं, जो कि आपके फ़ोन का भी यही होना चाहिए। अगर दोस्तों ये नहीं है तो आप पास के अपने सर्विस सेंटर पे जाके इसको दिखाएं, क्योंकि ये एसआर लेवल जो है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि रेडिएशन के लिए होता है। तो दोस्तों इसे आपको अपना फ़ोन का नॉर्मल ही रखना है। ट्रिक नंबर 4, नोटिफिकेशन। जब हम कोई
फ़ोन में काफ़ी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं टाइम टाइम पर उन पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ऐप्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो दोस्तों कई बार हम इनसे बहुत परेशान हो जाते हैं, और कई बार हमने देखा जब हम मीटिंग वगैरह में होते हैं तो ये बार बार हमें नोटिफिकेशन परेशान करते हैं, और हम चाहते हैं कि इन अपने नोटिफिकेशनों को बंद कर दें या ब्लॉक कर दें। तो दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और जहाँ यहाँ आके देखेंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐप नोटिफिकेशंस, और इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये हमें अभी दिखाएगा कि हम यहाँ से किसी भी फ़ोन के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पे शो नोटिफिकेशन, इस पर हम जाके इसको यहाँ से इस तरह से सभी पे जाके हम इनको बंद कर सकते हैं, जिस भी ऐप का हम नोटिफिकेशन अपना ब्लॉक करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे इस नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे तो दोस्तों फिर ये आपको परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद जय भारत।